तो चलो भाई साहब, फाइनली इतना इंतजार करने के बाद एनटीआर 30 की तरफ से जूनियर एनटीआर के फर्स्ट लुक यहाँ पे रिवील किया है, साथ साथ एनटीआर 30 के टाइटल को भी रिवील किया है और रिलीज डेट को भी मेंशन कर दिया है। सभी चीजों के बारे में बात करने वाला, लेकिन उससे पहले एडवांस में जूनियर एनटीआर सर को हैप्पी बर्थडे, कल उनका बर्थडे एंड उसके मौके पे ही आज जो है ये फर्स्ट लुक यहाँ पे रिलीज किया है। तो दोस्तों ये तो जरूर से कहना पड़ेगा कि ट्रिपल आर की ह्यूज सक्सेस के बाद एनटीआर सर का जो लाइनअप है और जो स्टारडम है बहुत अलग हो चुका है और उनके हर फिल्मों के ऊपर जो है भी बारीकी से नजर दिया जाएगा। एंड इसीलिए एनटीआर 30 ये जो मूवी है काफी बड़ा भी मूवी है और साथ ही साथ इसका हाइप भी काफी नेक्स्ट लेवल है। तो बात करने वाले हैं कौन सा पोस्टर यहां पर रिलीज किया है, क्या चीजें हैं पोस्टर में, एनटीआर सर कैसे लग रहे हैं, उनका लुक कैसे देखने को मिल रहा है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर पोस्टर देखो, बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो बड़ा सा समुद्र यहां पर नजर आ रहा है, सामने आप लोग बड़ा बड़ा पत्थर देख सकते हो जहां पे जूनियर एनटीआर सर जो टशन से एक कुल्हाड़ी लेके खड़े हुए हैं और जो ड्रेसअप उन्होंने पहना है, जो मैंने आप पिछले वाले वीडियोस के अंदर भी कहा था ठीक उसी तरीके से जो एक फील यहाँ पे दे रहा है। तो जूनियर एनटीआर सर का भी लुक जो है काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस पूरे पोस्टर के अंदर जूनियर एनटीआर सर के फर्स्ट लुक के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है टाइटल, और इस मूवी का जो ऑफिशियल नाम रखा गया है वो है देवार। एनटीआर 30 नहीं, जिसको हम देवारा कहने वाले हैं, उसका ऑफिशियल रिलीज डेट 5 अप्रैल 2024। क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। पोस्टर कैसा लगा, साथ ही साथ इस मूवी के टाइटल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। अच्छा लगा, बुरा लगा, और जो रिलीज डेट है उसके बारे में भी क्या कहना है वो भी मुझे जरूर से बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से पोस्टर लगभग सही है, जो बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, जो पोस्टर का कलर टोन है, और मुझे यही लग रहा था कुछ इस तरीके से पोस्टर आएगा। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मूवी के सीन की तरफ से यहाँ पे पोस्टर आएगा, वो नहीं होने वाला। यहाँ पे टाइटल अनाउंसमेंट हुआ है, वो टाइटल मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा, देवारा ये जो टाइटल है ये थोड़ा सा मेरे को लगा। क्या कहना है आप लोग इस विषय में, क्या आप लोग अच्छा लगा बुरा लगा, मूवी के थीम के साथ है ये भी अपडेट आ रहा था कि मूवी जिस हिसाब से है उसके हिसाब से जो है ये टाइटल यहां पे रखा गया, मूवी की स्टोरी के हिसाब से, थीम के हिसाब से। क्या ख्याल है आपको, कुछ पता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। तो ओवरऑल पोस्टर सही है, सभी चीज सही है, अभी वेट करेंगे टीजर का, ट्रेलर का, बाकी जितने भी चीज आएंगे आप लोगों को बताने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।